दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 26 दिन दिल्ली के आसपास में लाखों किसान इतनी सब ठंडी में वहां रुके हैं, 33 हमारे किसान शहीद हुए हैं दिल्ली के आजू बाजू में, लेकिन अभी भी मोदी सरकार को इसके बारे में कुछ परवाह नहीं है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हम किसान हैं, शांततापूर्ण तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशन की चौकट है उसके दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं, 30 से ज़्यादा किसानों की बलि इस आंदोलन के दौरान चढ़ चुकी है, तो बहुत ही दर्दनाक ये सब बातें हैं। आज देश का अन्नदाता अनशन पे है, आज से अनशन की भी तैयारी पूरे देश के किसानों ने की है, नेतागण कर रहे हैं, तो देश के लिए और देश की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मोदी सरकार 2014 से आज तक किसानों का जो दाम है वो दुगना करने की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो उसका हमी भाव MSP मिलना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, और MSP निश्चित होना चाहिए, MSP के बाद वो माल जो है वो खरीद का यंत्रणा भी तैयार होना चाहिए, और उसके बाद जो वो खरीद की यंत्रणा अमल नहीं करता उसको सज़ा भी होनी चाहिए। ये तीनों बात की इकट्ठा होके अमल होना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो किसानों को संरक्षण नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो किसानों की बाजू में हम खड़े होने से कोई होने वाला नहीं है। आम्ही मागे पण असं राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं, तर आम्हाला पूर्णपणे त्याच्यामध्ये सहकार्य झालं आणि यश पूर्ण मिळालेलं, तर आज तेच आमचं हे कार्य आहे, तेच ध्येय आहे का आम्हाला केंद्र सरकारच्या विरोधात तो लढा करायचा आहे, आणि आज पण आम्ही ते मागे जे यश आले ते आम्ही मिळवणार, एवढं मी बोलतो। हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार ने ये कानून रद्द करने चाहिए, तीनों जो कृषि कानून है और उसके साथ में ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रद्द करना चाहिए, और MSP का कानूनी अधिकार हमारे पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए, ये तुरंत उन्होंने करना चाहिए। और अगर नहीं किया तो जैसे आज महाराष्ट्र से हजारों किसान दिल्ली में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, पूरे देश भर से एक बहुत बड़ा ये संघर्ष ऑलरेडी फैला है पूरे देश भर में, वो बहुत महंगा गिरेगा ये BJP और मोदी के सरकार के लिए। रेलवे बंद थी, इसके लिए दिल्ली के बाजू के जो राज्य थे उनको छोड़ के दूर दराज के राज्य वहाँ पे नहीं आ पा रहे, लेकिन महाराष्ट्र ने पहली कदम की है, हम रेलवे से आगे हट के वाहनों को इकट्ठा करके एक व्हीकल का जत्था निकालने का मार्ग पूरे देश के सामने रख रहे हैं, और हम अपील कर रहे हैं अलग अलग संगठन और देश के किसानों को कि हमारे जो भाई दिल्ली में लड़ रहे हैं, आधार भाव के लिए लड़ रहे हैं, उपज को सही दाम मिले इसके लिए लड़ रहे हैं, 30 किसानों ने अपनी शहादत दी है, तो हम घर में नहीं बैठ सकते, व्हीकल जत्था निकाल के हर राज्य से लोग वहां पे पहुंचे, इस प्रकार का हम आह्वान करेंगे और ऐसा होगा, मुझे पूरा विश्वास है।